हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑफ के ऊपर आप सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या अभी आप पढ़ रहे होंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपने सीवर लाइन के बारे में पढ़ा होगा उन सीवर लाइन की क्लीनिंग के लिए इंस्पेक्शन के लिए मेंटेनेंस के लिए जगह जगह पर मेन होल्स बनाए जाते हैं वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जो भी सफाई कर्मचारी रहते हैं वो उसमें उतर कर उसके साफ सफाई संबंधित कार्य को संपादित करते हैं तो ये तो हुआ मैन होल होता क्या है क्योंकि एक होल होता है बहुत बड़ा और उसके अंदर मैन जाता है इसलिए इसका नाम है मैन होल याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि एक होल है उसमें अंदर मैन उतरता है इस कारण से उसको मैन होल कहा जाता है आपको मैन होल एक्चुअली अंडरग्राउंड होता है जमीन के नीचे होता है ग्राउंड लेवल से नीचे होता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो फुटपाथ पर सड़क पर आपको कभी एक राउंड केवल एक कवर दिखाई देता है जीआई शीट का है ना एक ढक्कन नुमा कवर होता है वो दिखाई देता है और आप देखते हैं उसको तो आपके मन में भी कई बार प्रश्न आया होगा कि ये क्या है क्योंकि हर जगह सीवरेज सिस्टम नहीं है हमारे देश में लेकिन बड़े शहरों में वहां पर हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम है और वहां पर मैन होल्स बने हुए रहते हैं मैन होल्स का कवर होता है कवर से ढका रहता है जब कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि उसकी साफ सफाई करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है या ब्लॉकेज को हटाना है तब उस मैन होल्स से जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो उस मैन होल के द्वारा अंदर उतरकर जाते हैं तो ये मैन होल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है कई बार ये ब्रिक का बना रहता है कॉन्क्रीट का बना रहता है तो इसका एस्टीमेट किस तरह से किया जाता है उसको हम देखेंगे सो मैन होल के बारे में मैंने आपको ये बात बताई अब हम बात करेंगे एस्टीमेट। मैं हमेशा हर वीडियो लेक्चर में आपसे ये कहता हूँ कि किसी भी एस्टिमेट को करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग ड्राइंग पढ़ना सीखे यदि आपको ड्राइंग नहीं समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या डायमेंशन है तब एस्टीमेट करना काफी कठिन हो जाता है तो मुझे आशा है कि आप लोग ड्राइंग पढ़ना बहुत अच्छे से सीख गए हैं और ये एक बार में नहीं आता ये बार 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 बार, बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी डायमेंशन कहाँ पर लिखी हुई होती है और किस चीज के बारे में वो बता रही होती है तो चलिए इसके बाद हम अब शुरू करते हैं एस्टीमेट ऑफ मैन होल ये एक प्रॉब्लम है अ मैन होल वन मीटर इंटरनल डायमीटर ऑफ टू मीटर डीप इज हैरी वन रिस्ट टू तो थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर थिक वॉल फॉर अपर वन मीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर फॉर द रिमेनिंग लोअर पार्ट 20 centimeter thick cement concrete 1 rest to 3 rest to 6 and the projection beyond masonry is 5 centimeter 10 centimeter thick rcc 124 slab with 45 centimeter diameter gi cover top of rcc slab is flushing ground level calculate earthwork cement concrete in foundation brickwork and एक्सप्लेन mm करता हूं मैन होल है वन मीटर इंटरनल डायमीटर उसका अंदर का डायमीटर क्या है वन मीटर टू मीटर डीप टू मीटर वो क्या है उसकी डेप्थ है दो मीटर गहरा है जो की ब्रिक मैसिनरी से बना हुआ है जिसमें दो तरह की दीवाल है 20 सेंटीमीटर की थिक वॉल जो है वो अपर के वन मीटर में बनी हुई है और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो 30 सेंटीमीटर वॉल से बना हुआ है 20 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट है नीचे और वो उसका प्रोजेक्शन है कितना फाइव सेंटीमीटर का टेन सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब ऊपर एक स्लैब डला हुआ है 10 सेंटीमीटर का जिस पर 45 सेंटीमीटर डायमीटर का एक जीआई कवर लगा हुआ है मैन होल का कवर है है ना और बिल्कुल फ्लश है ग्राउंड लेवल के साथ मतलब ग्राउंड लेवल के ही लेवल पर वो फ्लश फ्लशिंग द ग्राउंड लेवल कैलकुलेट हमको ये सारी चीजें करना है तो ये डायमेंशन पढ़कर ये क्वेश्चन को पढ़कर आपके दिमाग में मैन होल आना चाहिए कि उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पढ़ाने के लिए मैंने इस पर कुछ हालांकि ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट तो नहीं बना है फिगर लेकिन तब भी मैंने इसको ड्रॉ करने का प्रयास किया है कि मैं आपको समझा सकूं तो ये इस तरह से ड्रॉ करके आपका होल का फिगर सामने है अब क्वेश्चन की तरफ अपन सोचे और बात करेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ा वन मीटर इंटरनल डायमीटर है ओके ठीक है वन मीटर की ट्वेंटी सेंटीमीटर वॉल है रिमेनिंग टू मीटर डीप है तो आप बाकी का कितना भी बचेगा वन मीटर So ये हो गया और ये हो गया, है. तो मीटर कितने प्रोजेक्शन निकले हुए हैं है ये फाइव सेंटीमीटर के यहाँ दिख रहा है फाइव सेंटीमीटर यहाँ प्रोजेक्शन निकले हुए हैं ऊपर टेन सेंटीमीटर का कॉन्क्रीट का स्लैब है जिसमें कि ये येलो कलर से क्या दिख रहा है आपका मैनहोल का कवर जो कि जीआई का है और इसका डायमीटर कितना है इसका डायमीटर 45 सेंटीमीटर है तो ये आपने ड्राइंग ड्रॉ uh, कर ली एक रफ आइडिया आपको हो रहा है जिसको आप देख कर समझ में आ रहा है ये जो डॉटेड बनाई गई है मतलब ये आउटर प्रोजेक्शन है ये आपकी 20 सेंट, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की वॉल्स है ठीक है ना सो so, चलिए अपन अब अप शुरू करते हैं आपका एस्टीमेट ऑफ मैन होल डायमीटर ये देखिए डायमीटर कितना है वन अंदर ही अंदर ठीक है ना अब पूरी टोटल आउटर एक्सकावेशन करना है हमको अर्थवर्क निकालना है यानी कि करना होगा सो पूरा क्योंकि नीचे तक तो हमें इतना जाना है बाद में यहाँ 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 और यहाँ यहाँ फिलिंग हो जाएगी लेकिन हमको इतना तो कम से कम एक्सकावेट करना ही है सो फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो सॉरी पॉइंट जीरो प्लस पॉइंट थ्री 30 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस इधर का 0.5 और इधर का 0.3 यानी 0.5 0.3 इस तरफ के और इस तरफ के और बीच में ये 1 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी होगी 1.7 मीटर यानी 1.7 मीटर का पूरा ये सर्कुलर हमको गड्ढा एक खोदना है ठीक है ना अब 0.05 0.3 1 0.05 प्लस 0.3 ये 1.7 हुआ हाइट ये ग्राउंड लेवल है क्योंकि इसका ढक्कन ग्राउंड लेवल से फ्लश किया हुआ है सो ग्राउंड लेवल से कितने नीचे आना है हमको ग्राउंड लेवल है 0.1 प्लस वन और वन टू, फिर ये पॉइंट 20 तो ये कितना हो गया 2.3 टोटल हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर ये 10 ये टोटल 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 1 मीटर सो so, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर तो 2.3 मीटर कैसे निकलेगी क्वांटिटी हम जानते हैं पूरा हमें गड्ढा खोदना है तभी तो उसके अंदर जाके हम अपनी वर्क सर्कल का एरिया हो गया ये हाइट हो गई एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम तो ये आ गया फाइव पॉइंट टू टू तो कितना एक्सकवेशन होगा इसमें फाइव पॉइंट टू टू का सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन डायमीटर हमने निकाल रखा है वही .531 फिर 30 फिर 5 यानी कि .5 0 .05 प्लस .3 प्लस 1 प्लस .3 प्लस, .3, प्लस .5 तो हमने वो डायमीटर अब केवल हमको क्या निकालना है ये कंक्रीट कितने की है तो एरिया तो वही रहेगा पर इसकी हाइट बस चेंज हो जाएगी सो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इनटू .2 तो .04539 क्यूबिक मीटर ये मैंने चार डिजिट तक इसलिए लिखा है क्योंकि कंक्रीट काफी महंगा आइटम है उसके रेट ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम इसको बहुत एक्यूरेट मेजर करते हैं। टू डिजिट्स तक आपको मेजरमेंट करने चाहिए तभी आप पेमेंट करें जब भी आप भविष्य में नौकरी में आएंगे और आपको बिल्स वगैरह बनाने रहेंगे और आप एस्टिमेटिंग करेंगे तब आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे अब ब्रिक की बात करते हैं। दो तरह की ब्रिक एक 30 की है, एक घटा so, देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा ठीक है ना जैसे पाई बाई फोर क्योंकि ब्रिक मैशनरी कैसे हुई होगी राउंड में हुई होगी थर्टी क्यू हुई फिर ऊपर ट्वेंटी की हुई है सो है so, ये देखिए पाई बाई फोर हमने यहां से लेके यहां तक टोटल ले लिया 1.6 1.3 और 0.3 कितना हो गया 1.6 इसमें से हमने ये 1 घटा दिया तो हमको केवल ये बचेगा इनटू हाइट कितने हाइट तक है ये 1 मीटर तक है तो so ये हमको क्वांटिटी मिल गई 1.225 क्यूबिक मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रिक मेसनरी के लिए भी वही होगा कैसे यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ हो गई 1.4 4 में से हमने 1 घटा दिया तो हमको ये और ये मिल गया सो so 1.4 का स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर डी वन क्या हो गया आपका बड़ा वाला डाया डी टू क्या हो गया अंदर अंदर का डाया सो वन स्क्वायर इंटू वन ये भी वन मीटर हाइट तक का है तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव फोर क्यूबिक मीटर ब्रिक मैशनरी हमारी आ गई इसके बाद आरसीसी वर्क इन स्लैब ये ऊपर जो स्लैब है ये निकाला जाएगा सो पाई बाई फोर ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वन पॉइंट टू और पॉइंट टू वन पॉइंट फोर दिख रहा है आपको ड्राइंग में 1.4 का स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर का यानी पॉइंट 1 0.1539 लेकिन इसके बीच में ये क्या लगा हुआ है आपका जीआई का कवर तो वहां तो कंक्रीट हुई नहीं है तो उसको आप डिडक्ट करेंगे कैसे डिडक्ट deduct करेंगे डिडक्शन फॉर जीआई कवर ये भी सर्कुलर है 45 सेंटीमीटर इसका डायया है तो पाई बाय 4.45 का स्क्वायर कितनी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर तो 0.1 जीरो पॉइंट जीरो क्यूबिक मीटर डिडक्शन होगा तो नेट क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसमें से हमने जीरो पॉइंट जीरो घटाया तो जीरो पॉइंट वन थ्री एट क्यूबिक मीटर हमको आरसीसी की क्वांटिटी मिली कहां पर स्लैब पर प्लास्टर इनसाइड केवल अंदर-अंदर प्लास्टर होगा, बाकी तो, तो प्लास्टर करना नहीं है कंक्रीट की फिनिश ऐसी चाहिए जिस पर प्लास्टर करने की जरूरत ना हो आपको बता दूं चूंकि ये बात निकली है तो हमारी जो सीलिंग होती है ना इसका प्लास्टर का पेमेंट नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं हमारे घरों में भी करते जब भी कंक्रीट की सरफेस ओपन हो जब उसकी शटरिंग आप रिमूव करें तो इतना स्मूथ उसको निकलना चाहिए कि कभी भी उसमें प्लास्टर की जरूरत ना पड़े सो so, ये बात बहुत ध्यान में रखने की कि कंक्रीट की सरफेस ऐसी निकलना चाहिए आफ्टर क्यूरिंग और जब हम इसकी शटरिंग हटाते हैं कि बिल्कुल स्मूथ उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा लेकिन यहाँ पर ये हम घरों में जब वर्क कराते हैं तो उसका पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि उतना अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप हमको नहीं मिल पाता है अगर आपने कभी मेट्रो के कॉलम्स देखे हो तो देखिएगा वो पूरे कॉन्क्रीट के हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्मूथ कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे आपको हनी कॉम्बिंग नहीं दिखाई देगा कहीं भी ऊपर नीचे नहीं दिखाएगा बिल्कुल स्मूथ ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर प्लास्टर किया हो पर वो प्लास्टर नहीं है चलिए तो अब इन इनसाइड के प्लास्टर के लिए क्या करेंगे हम हम पेरीफेरी निकालेंगे अंदर अंदर की पेरीफेरी यानी पाई पाई डी सो कितनी हाइट तक है 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 अंदर अंदर one ये है और ये और तो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स पॉइंट टू एट स्क्वायर मीटर का हम प्लास्टर करेंगे तो बड़ा आसान था आसान कब था जब आपके पास ये ड्राइंग है अगर आप ये ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है इसीलिए ड्राइंग बनाते भी आना चाहिए और आपको ड्राइंग को समझते भी आना चाहिए तो आशा है मुझे वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मैन होल की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम होंगे और इस प्रॉब्लम को आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कीजिएगा और डाटा चेंज करके दूसरे तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा घर पर रहिए सुरक्षित रहिए आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे थैंक यू